चुके हैं, बस आरती होने वाली है। और ये देखिए मंदिर श्री गंगा जी दास दासवास, और ये श्री गंगा द्वार हल्की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य द्वार है। और ये मंदिर का ये देख सकते हैं दर्शन के लिए पट खुल चुके हैं, अभी आरती होने वाली। जितने ही मंदिर सब के पट खुल चुके हैं और सेवा कर रहे हैं भक्त। और ये गंगा माता का मुख्य मंदिर है, आप देख सकते हैं सुंदर मंदिर है। ये गंगा माता मुख्य मंदिर है, देखिए ये गंगा मंदिर देख सकते हैं आप, ये गंगा जी माता का मुख्य मंदिर। और ये भी गंगा माता मंदिर, और यहाँ पर देख सकते हैं भक्त आरती का इंतजार कर रहे हैं। अगर सामने ये देखिए आरती का इंतजार हो रहा है गंगा माता की, अभी थोड़ी बहुत देर में आरती होने वाली है। पीछे देख सकते हैं भक्त बैठे हुए हैं, तो अभी मुद्रा चलते हैं घाटों की तरफ दिखाएंगे आरती। और ये देखिए कितनी अच्छी संख्या में श्रद्धालु वगैरह हैं यहाँ पर, और आरती स्टार्ट हो चुकी है अर्की पौड़ी पर, बहुत अच्छी संख्या में श्रद्धालु हैं और पूरे भक्त घाट पर बैठे हुए हैं और आरती का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए और आगे तक देख सकते हैं, वहाँ भी देखिए दूसरी तरफ भी आरती का पूरा आनंद लिया जा रहा है और आरती हो रही है गंगा माता की, तो सभी भक्त आरती करवा रहे हैं। ये देखिए आरती का आनंद लेते हुए, आरती का घंटा बज चुका है और गंगा माता की आरती हो रही है, तो पूरा उसका आनंद लिया जा रहा है। तो उसी में भक्त लोग हैं और आरती कर रहे हैं, आप जितने भी पंडित महाराज हैं वो सब आरती करवा रहे हैं। ये देखिए पुरोहित महाराज हैं और सभी मंदिरों पट खुल चुके हैं, तो हम आगे चल के दिखाते हैं आप। मुख्य गंगा मंदिर की तरफ चलेंगे हम, और ये देखिए काफ़ी अच्छे मंदिर हैं यहाँ पे अर्की पौड़ी पर, और भक्त काफ़ी देखिए आरती का पूरा मनमोहक नज़ारा, और गंगा माता को स्नान कराने के लिए ले जा रहे हैं। देखो तो हम चलेंगे और यहाँ पूजा पाठ कराते हुए पंडित जी महाराज, तो ऐसे ही पूजा पाठ कराते रहते हैं। और ये मंदिर है गंगा माता जी का ब्रह्मकुंड अर्की पौड़ी हरिद्वार। ये देखिए जितने भी बने हुए हैं ये, इनमें हर एक में पंडित बैठे हैं पूजा पाठ करा रहे हैं, और उधर घाट पर स्नान हो रहे हैं, इधर उधर घाट पर स्नान हो रहे हैं, और यहाँ पर स्नान करके अपने पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं भक्तों। तो मंदिर में चलेंगे अभी हम, चलेंगे उधर साइड, आप देख सकते हैं ये घाट है और यहाँ पर गंगा मंदिर पीछे, तो उधर ही चलेंगे गंगा माता का मंदिर नज़ारा दिखाएंगे। एक ये गंगा मंदिर ये है, यहाँ पर कई गंगा माता जी के मंदिर हैं और शिव जी के मंदिर भी हैं और पंडित वगैरह। और ये श्री नारायण जी का मंदिर, ये भी काफ़ी अच्छा मंदिर है, हमने पहले दिखा चुके हैं इसे, तो देख लीजिए एक बार। ये देखिए राधा कृष्ण, ये देखिए नारायण जी का मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है नारायण जी का। ये देखिए पुजारी पूजा में लगे हुए हैं, और ये भी गंगा जी का मुख्य मंदिर है, ये गंगा जी के अंदर है, उसको भी दिखा रहे हैं हम। और ये देखिए घाट पर पूजा पाठ हो रही है, और देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए भक्त दीपक वगैरह जला करके गंगा माता में स्नान करने का पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती का टाइम हो रहा है। ये देखिए और ये हनुमान जी का मंदिर है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं और लोग सेवा भाव में लगे हुए हैं, और आरती का टाइम हो चुका है, तो लोग आरती कर रहे हैं और आरती का आनंद लेते हुए पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही आनंद आ रहा है और काफ़ी अच्छा नज़ारा, ये देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं आप, देखिए कितनी अच्छी संख्या में श्रद्धालु बैठे हुए हैं आरती के लिए, देखिए वो नज़ारा। और आरती हो चुकी है गंगा माता की स्टार्ट, और आरती में लगे हुए हैं, और ये आरती का नज़ारा। और ये देख सकते हैं आरती का नज़ारा हो रहा है, भक्त बैठे हुए हैं आरती के इंतजार में, देखिए कितनी अच्छी संख्या में श्रद्धालु हैं। और ये मंदिर है गंगा माता के आगे पीछे, ये पीछे गंगा माता का मंदिर है और आरती चल ही रही है, और भक्तों जो है गंगा माता में डुबकी लगा रहे हैं स्नान कर रहे हैं। ये देखिए और यहाँ पर स्नान हो गए गंगा माता के, और इसके बाद आरती होना शुरू हो गई है, और कुछ मंदिरों की आरती हो भी गई है, बाकी जो मंदिरों की आरती ना हुई है उन मंदिरों की भी आरती हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में। आरती चल रही है, आप देख सकते हैं संघ की आरती चल रही है, और नज़ारा काफ़ी अच्छा है, श्रद्धालु काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर। देखिए उधर वाले घाट पर भी लोग आरती का इंतजार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अच्छी संख्या में बैठे हुए श्रद्धालु। और इधर एक दूसरा घाट है, और यहाँ पर देखिए गंगा माता की आरती का इंतजार देख सकते हैं आप, ये सब गंगा माता की आरती का इंतजार कर रहे हैं सब लोग, और काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ है यहाँ पे, बहुत बहुत दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं, हर तरफ लोग गंगा माता का स्नान कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, इसी में लगे हुए हैं सब लोग, परिवार के साथ आए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ पे अपने अकेले भी आए हैं, जैसी जिसकी भावना उस तरीके से यहाँ पर आए हैं लोग। काफ़ी खूबसूरत काफ़ी अच्छा मंदिर है, पंडान अच्छा मंदिर है। ये देखिए पीछे मंदिर आपको बता रहे थे हरकी पौड़ी में है लक्ष्मीनारायण मंदिर, तो उधर हम चलते हैं दिखाते हैं आपको मंदिर किस तरीके का है, और लक्ष्मीनारायण जी के दर्शन कराते हैं आपको, चलते हैं उधर ही चलते हैं आपको दिखाएंगे। ये लक्ष्मीनारायण जी का मंदिर, ये देखिए लक्ष्मीनारायण जी दर्शन करा दे रहे हैं आपको, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सीधे लाइव दर्शन करा रहे हैं आपको लक्ष्मीनारायण जी के,
ये गंगा माता के हर की पौड़ी घाट पर ही हैं अभी मनमोहक मंदिर, जो दुर्गे माता हैं गंगा माँ को बढ़ते हुए। और ये देखिए गंगा माँ के पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ये पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है गंगा माता का, तो यहाँ पर गंगा माता के पानी के बहाव की ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर स्नान करने के लिए बैरिकेडिंग टाइप का लगाया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो, और जितने भी श्रद्धालु नहाने के लिए आ रहे हैं वो एक साइड नहा करके आराम से अपना गंगा माँ के दर्शन करके यहाँ का आनंद लें, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो पूरे घाट पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, देखिए लोहे की बैरिकेडिंग लगी हुई है ताकि यहाँ से पार निकल के किसी को घटना का दुर्घटना का सामना ना करना पड़े और आराम से वो तसल्ली से प्रेम से नहा सके। और ये देखिए गंगा घाट का ये गऊ घाट है और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर हर वक्त श्रद्धालु रहते हैं। देखिए पानी का बहाव, देखिए पानी का बहाव किस तरीके से पानी बह रहा है गंगा माता का। तो और ये देखिए बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर इन्होंने कुछ आइटम लगा रखे लाइटिंग वगैरह ताकि बच्चे यहाँ पर इसको देख कर अट्रैक्ट हों और ये सामान यहाँ पर बिके। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और तैर भी रहे हैं, ये देखिए लड़के हैं। और ये घाट है गऊ घाट है, ये नज़ारा आपको दिख ही रहा है, काफ़ी सुंदर घाट है ये। और आगे हर की पौड़ी की तरफ चलेंगे हम, वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे आपको हम। तो हम आपको घाट की तरफ लेके चल रहे हैं उतरते हुए घाट की तरफ, और यहाँ से जो नज़ारा रहेगा हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए घाट की तरफ आ चुके हैं हम, और यहाँ से काफ़ी ये देखिए यहाँ पे खाने पीने की सुविधा भी है, ये देख सकते हैं यहाँ पे नहाने में लगे हुए हैं श्रद्धालु वगैरह। और गंगा माता का जल ले जाने के लिए यहाँ पे देखिए व्यवस्था है, ये देखिए ये लख रखी है इन्होंने कैन वगैरह ताकि आप गंगा माता जल ले जाएँ अपने घर के लिए, पूजा पाठ के लिए काम आता है। और ये देखिए गंगा घाट की मेन मुख्य घाट की तरफ आ गई, अब यहाँ देख सकते हैं नज़ारा, यहाँ पीछे श्रद्धालु नहाने में, और ये घाट का नज़ारा पीछे देख सकते हैं आप। और यहाँ से हम जाएंगे रिपोर्ट की तरफ, पूरा नज़ारा दिखाएंगे आपको। यहाँ भक्त नहा के जा रहे हैं, स्नान करके जा रहे हैं, और इधर थोड़ा अंधेरा है लेकिन इधर लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, काफ़ी अच्छा दिन आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये पीछे यहाँ पे महिलाओं के और पुरुषों के कपड़े चेंज करने के लिए बनाए गए हैं कैबिन टाइप के। और गंगा और यहाँ पर श्रद्धालु वगैरह, और यहाँ पर श्रद्धालु विश्राम कर रहे हैं, ये शायद सुबह का इंतजार कर रहे हैं, सुबह स्नान करेंगे, कुछ वक्त अभी नहा रहे हैं देखिए। और यहाँ पर ये नहाने में लगे हुए देखिए वक्त वगैरह, गंगा माँ का उधर साइड भी घाट ही है, वहाँ भी स्नान हो रहा है, यहाँ लाइटिंग दिख रही है आपको, और यहाँ पर दिख ही रहे हैं नहाने में लगे हुए हैं। और ये देखिए ठहरने के लिए धर्मशाला है तीर्थार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए बारिश हो रही थोड़ी थोड़ी, तो लोगों ने छतरी लगा रखी है, आप देख सकते हैं घाटों पर लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा है, लाइटिंग के मामले में काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ का, आप देखिए। और यहाँ पर पीछे दुकानें वगैरह लगी हुई हैं वो सारी अभी बंद हो गई हैं, सुबह का इंतजार हो रहा है, जैसे ही सुबह हो जाएगी तो वो खुल जाएंगी, और यहाँ पर श्रद्धालुओं के एक आकर्षक पॉइंट बन जाएगा ताकि श्रद्धालु यहाँ से कुछ खरीदें और यहाँ से कुछ याद ले जाएँ हम गंगा माता की। तो ये दुकानें अभी फिलहाल बंद हो गई, कुछ दुकानें खुल रही हैं देखिए सामने, ये जो सामने की दुकान है वो खुल रही हैं, और कुछ जो ज़रूरत वाली दुकान है वो भी खुल रही हैं, जैसे कि ये दुकान है कैन वगैरह और मतलब गंगा माता की जो गंगा जल ले जाने के लिए जो चाहिए। और ये जो दुकानें खुल रही हैं गंगा माता की सामान वगैरह की, यहाँ पर दुकानें खुलती हुई, प्रसाद वगैरह यहाँ से मिल जाता है, भक्त यहाँ से प्रसाद ले जाते हैं देखिए, और कुछ भक्तों की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भी उपलब्ध हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए प्रसाद वगैरह उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और ये एक और पुल इस घाट से उस घाट की तरफ जाने के लिए दूसरा पुल है, ये देख सकते हैं। और ये हम जो हर की पौड़ी काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है हरिद्वार में, उसकी तरफ बढ़ते हुए और यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, देखिए देखिए यहाँ पर अस्थि प्रवाह घाट आज लिखा आ रहा है, और ब्रह्म घाट हर की पौड़ी सामने ये जो दिख रही है, तो बस हम वहीं पहुँचने वाले हैं, यहाँ से पूरा नज़ारा दिखाएंगे आपको हम। अभी हम हर की पौड़ी पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा सा नज़ारा दूर यहाँ से, और यहाँ पर भक्त वगैरह विश्राम कर रहे हैं, श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं यहाँ पर जो मतलब सुबह का इंतजार कर रहे हैं वो यहाँ पर आश्रम विश्राम कर रहे हैं, और बाकी जो कुछ लोग हैं जिनको मतलब जाना अपने घर अभी, तो यहाँ से स्नान करके वापस जा चुके हैं। और ये हर की पौड़ी का नज़ारा ये सामने, बस हम वहीं पहुँच रहे हैं, तो वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आप, यहाँ देख सकते हैं भक्त वगैरह विश्राम में लगे हुए, ये देखिए ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी में आ चुके हम, और यहाँ पर तीर्थयात्री श्रद्धालु विश्राम कर रहे हैं, और एक पहुँचते हुए एक मनमोहक, ये देखिए हर की पौड़ी घाटी है, हम आगे बढ़ते हुए
अब चलते हैं आगे की तरफ और पूरा घाट दिखाएं। तो काफ़ी सुंदर घाट है, देखिए हर की पौड़ी काफ़ी आकर्षक, काफ़ी भव्य यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने में लगे हुए हैं। और ये देखिएगा नज़ारा, ये हर की पौड़ी है जो कि हरिद्वार की बहुत जानी मानी जाती है। यहाँ पर ये देखिए ये पुल वगैरह है और इधर आप देख सकते हैं। और ये देखिए पूरे घाट का नज़ारा हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए बड़े मनमोहक नज़ारा है, हर की पौड़ी का नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पर भक्त आते हैं, श्रद्धालु वगैरह, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए पूरा घाट दिखा दिया हम हमने आपको और थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए इसकी बहुत ज़्यादा परंपरा है हर की पौड़ी की, ये अक्सर करके यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो दर्शन करके जाते हैं। और ये देखिए अस्थि प्रवाह घाट, ब्रह्मकुंड, हर की पौड़ी। और यहाँ पर देखिए श्रद्धालु नहाते हुए और काफ़ी मनमोहक नज़ारा हर की पौड़ी का, गंगा माता की काफ़ी अच्छी कृपा और काफ़ी दूर दूर तक भव्य नज़ारा लग रहा है देखने लायक, मनमोहक। और बिल्कुल रात का सीन है, लगभग एक बज चुका है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं में भक्ति उमंग काफ़ी अच्छी। और ये देखते हैं पौड़ी काफ़ी उत्साह, मनमोहक नज़ारा। ये देखिए चप्पल चप्पल, ये देखिए घाट में काफ़ी लोगों की उमंग और श्रद्धालुओं की काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पर श्रद्धालु गंगा माँ के दर्शन और गंगा माता की स्नान कर रहे हैं। ये देखिए गंगा माता में हर की पौड़ी का काफ़ी भव्य नज़ारा है, इसलिए इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, विश्व प्रसिद्ध माना जाता है इसे। और ये देखिए घाट का मनमोहक नज़ारा है, श्रद्धालु पूरी भक्ति और श्रद्धा भाव से नहा रहे हैं। ये हर की पौड़ी का नज़ारा है, काफ़ी सुंदर नज़ारा। ये देखिए बैकग्राउंड जो आ रहा है, अक्सर करके लोग इसी का यहाँ पर आते हैं और फोटो वगैरह यहाँ पर बनाते हैं और गंगा माता के दर्शन करके स्नान करके अपने घर के लिए जाते हैं। और एक यहाँ की भाव भक्ति भाव जुड़ा रहता है लोगों का, तो यहाँ बहुत दूर से लोग आते हैं, तो देख सकते हैं कितना लोगों की श्रद्धा है और लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं कि अपना। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा, एक बार हम फिर आपको दिखा दे रहे हैं। और ये गंगा माता का मंदिर है, ये देखिए नारायण जी का और गंगा माता का। और ये देखिए मंदिर वगैरह हैं गंगा माता के, तो उधर हम दिखा दें थोड़ा नज़ारा आपको, काफ़ी आकर्षक लग रहा है नज़ारा। और ये देखिए जब लिखा हुआ है ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी, और ये गंगा सभा हरिद्वार द्वारा संचालित हो रही है। और ये देखिए श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर है ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी में, और राधा कृष्ण जी हैं गंगा घाट। और ये गंगा मंदिर है, अभी इसके पट लगे हुए हैं, मुझे खुलेंगे, देखिए रात में अभी बंद हैं, खुल जाएंगे तब हम आपको दिखा दें, दर्शन करा देंगे आपको। और ये देखिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है घाटों वगैरह की, श्रद्धालुओं को दिक्कत परेशानी ना हो, तो उस हिसाब से यहाँ पर नहाने धोने की और लाइटिंग वगैरह देखिए कितनी बड़ी बड़ी लाइट लगी हुई है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर लाइटिंग का। और यहाँ पर ये देखिए हवन कुंड वगैरह है, और यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था है कपड़े वगैरह पहनने की, उतारने की, और अपना स्नान करने के बाद यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। और ये देखिए पूरा नज़ारा बहुत ही सुंदर। और आगे उधर देखिए, उधर एक पुल जा रहा है गंगा माता के बीच में होकर के, उधर ही चलेंगे। और आप देख सकते हैं ये गंगा माता मंदिर है, और यहाँ पर ये हर की पौड़ी के बीच का नज़ारा, और देखिए पूरा नज़ारा हमको दिखा रहा है, काफ़ी भव्य नज़ारा है। और यहाँ पर पंडित वगैरह बैठे हुए हैं, ये पूजा वगैरह करवाते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखिए अपना लेके बैठे हुए अपना सिस्टम। और यहाँ पर श्रद्धालु स्नान वगैरह करते हुए काफ़ी अच्छा नज़ारा है, कुल मिला करके पूरा हमने दिखा दिया वहाँ पर आकर के आपको। आप भी आए पे आइए और गंगा माता के दर्शन करिए। और ये देखिए इधर ये हर की पौड़ी का घाट पूरा दिखा दिया हमने आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग स्नान करते हुए श्रद्धालु वगैरह, और फुल मस्ती में आनंद ले रहे हैं गंगा माता के दर्शन के साथ साथ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आइए गंगा माता के दर्शन करिए, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे लोगों को आकर के, काफ़ी शांति है। और उसके साथ देख सकते हैं लोग यहाँ का वातावरण का फ़ायदा उठा रहे हैं, और यहाँ का एक भगवान की गंगा माता की कृपा ऐसी है कि मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, और स्नान करके यहाँ पे भक्त गंगा माता की आरती करते हैं, पूजन करते हैं, और यहाँ के यादों के लिए यहाँ के कुछ सामान खरीद के ले जाते हैं, गंगा माता की तस्वीर वगैरह जो भी है, तो उसकी बहुत अच्छी मान्यता है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कोई लोग जैसे मृत हो जाता है तो उसकी अस्थियों को यहाँ पर बहाया भी जाता है, इसलिए इसको अस्थि घाट भी कहा जाता है, और दूसरा इसका हर की पौड़ी ब्रह्म घाट भी कहा जाता है, दूसरा नाम इसका ही है। काफ़ी अच्छा है लेकिन घाट अपने आप में, आप देख सकते हैं। और नज़ारा हमने आपको दिखाई दिया इसका चारों साइड ही, यहाँ पर श्रद्धालु नहाते हुए इधर उधर चारों साइड यहाँ पर श्रद्धालु बना रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो पूरा हमने दिखाई दिया आपको। यह प्राचीन बद्री नारायण मंदिर,
पा रहा हूँ। और ये गंगा मंदिर है, देखिए अभी हमने आपको दिखाया था गंगा। ये सुबह सुबह का टाइम है और देखो आपको, देखिए आरती का टाइम हो चुका है तो आरती के लिए बैठे हुए हैं श्रद्धालु सब। आरती टाइम आवाज सुबह सुबह, और ये देखिए पंडित वगैरह अपना पूजा पाठ करा रहे हैं। सब पंडित गंगा माता मंदिर देखिए पूजा पाठ हो रही है। पट खुलते आरती का समय हो गया है, आरती होने वाली। जो भी श्रद्धालुगण माँ गंगा जी के आरती में, भोग भंडारे में, घाटों की सफाई धुलाई में, घाटों के निर्माण में, हर कुंड की सेवा में जो भी श्रद्धालुगण दान देना चाहते हैं, श्री गंगा सभा के प्रचारक आप लोगों के बीच में भैया। यहाँ पे देखिए श्रद्धालु कितनी अच्छी संख्या में बैठे हुए हैं, आरती होने का टाइम है। आप देख सकते हैं काफ़ी भव्य नज़ारा है, सुबह का नज़ारा है और गंगा माता की बस आरती होने वाली है। उधर भी आरती का नज़ारा, और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी संख्या में श्रद्धालु हैं। और उधर सामने भी ये देखिए भक्त लोग आरती का इंतजार कर रहे हैं, और चारों साइड अच्छी संख्या में श्रद्धालु पधार रहे हैं। हर की पौड़ी का बहुत ही शानदार नज़ारा और मनमोहक नज़ारा है। ये देख सकते हैं हर एक तरफ हर घाट पर श्रद्धालुओं का जवाब है और श्रद्धालु बस आरती का आनंद ले रहे हैं। पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं, और ये पीछे तक यहाँ पर आरती की तैयारी चल रही है गंगा माता की, और पूरा भाव में लोग बैठे हुए हैं। और इधर भी ये गंगा माता मंदिर है, और इसके अलावा दूसरा मंदिर एक पीछे भी ये देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा है आपको। और काफ़ी अच्छी संख्या श्रद्धालु हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा संख्या श्रद्धालु रहते हैं। सुबह सुबह स्नान का टाइम रहता है, आरती का टाइम भी रहता है, तो इसलिए भक्तों की संख्या ज़्यादा है। ये देखिए अंदाजा लगाया जा सकता है उससे। और गंगा माता को स्नान कराने के बाद गंगा जी में बैठा रखा है, आरती के लिए तैयार हैं, बस आरती का इंतजार हो रहा है। एक्चुअली पंडित वगैरह बैठे हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, पूजा पाठ कराने में, वैसे पूजा पाठ करा रहे हैं जो भी आते हैं भक्त वगैरह। ये देखिए ये गंगा माता की तस्वीर है, ये ब्लू गंगा माता के जल के बीच में ही है। स्नान कराने के बाद यहाँ पर उन्होंने पधार रखी है, तो भक्त लोग यहाँ पर दर्शन करने बाद आरती करते हैं गंगा माता की। और गंगा माता का काफ़ी अच्छा नज़ारा ये देख लीजिए, ये श्री नारायण जी का मंदिर है। और ये जो सामने जो दिख रहा है ये मुख्य गंगा मंदिर है, उधर हम जा चुके हैं। और ये इधर देखिए पुल वगैरह है एक घाट से दूसरी घाट की तरफ जाने के लिए, ये देख सकते हैं गंगा जी के कई मंदिर हैं यहाँ पर। और ये देखिए श्रद्धालु कितनी संख्या में यहाँ पर, चारों साठ श्रद्धालु वगैरह हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। आरती सेवा के लिए जो पूरी भीड़ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक टोकन बांटे जा रहे हैं, एक गंगा माता के सेवक के लिए टोकन बांटे जा रहे हैं 101 रुपये फीस है इसकी। जो भी भक्त यहाँ पर 101 रुपये देकर टोकन ले सकता है, ये टोकन है गंगा माता की सेवा के लिए। क्या हो गया
स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ का पूरा नज़ारा दिखा देंगे आपको। गंगा माता की आरती आरती स्टार्ट हो गई होगी, गंगा माता की आरती स्टार्ट हो गई। और ये देखिए स्टार्ट हो गई आरती, भक्तों का मनोभाव काफ़ी अच्छी संख्या श्रद्धालु और आरती का आनंद लेते हुए। और ये देखिए ये गंगा माता पताका है, बात बताऊँगा।